फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Paytm की मिनी KYC कैसे करें ताकि हम पैसा से कुछ खरीद सकें, कुछ शॉपिंग कर सकें या कुछ यूज कर सकें उसका। ठीक है, जब तक मिनी KYC नहीं होगी तो हम Paytm को यूज नहीं कर पाएंगे, उसके वॉलेट में जो पैसा है वो नहीं ट्रांसफर कर सकेंगे। और जो बीगो वीडियो वगैरह है उससे भी जो अर्निंग होती है, जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वो Paytm में कैसे डालें, कैसे उसका जो पासबुक होती है यानी कि Paytm का भी एक वॉलेट होता है उसमें हमें पहले पैसा ऐड करना होता है अपने बैंक से या ATM से। ठीक है, तो आपको दोनों विधि से जो ATM है और जो बैंक है उससे पैसा Paytm बॉक्स में 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितना भी आपकी मन कहे उतना आप कैसे ऐड कर सकें और फिर उस पैसे को कैसे यूज कर सकें इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताएंगे और आपको बताएंगे कि KYC कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, तो वीडियो देखते रहिएगा। तो भैया वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आगे करते ही रहना और वीडियो को लाइक भी करते रहना। तो अभी तो हम सिर्फ एक ना कुछ कहते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही Paytm ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा पासबुक का ऑप्शन, यानी कि इसी में हमें पहले पैसा डालना पड़ता है, फिर उससे हम मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट और इलेक्ट्रिकल्स का बिल वगैरह, DTH और बस टिकट, ट्रेन टिकट और कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो वो आप फिर वहां से कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो अभी इसमें पैसा कैसे डालना है वो हम बताते हैं। हमें सिंपली करना क्या है, अपना जो Paytm है उसको ओपन करने के बाद इस पासबुक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम पासबुक के ऑप्शन पर अभी हम नया Paytm अकाउंट बनाने के बाद जब क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर हमें इतने सारे जो है पहचान पत्र दिए हैं जिनमें है पैन कार्ड, पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड। आपके पास इनमें से कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा करके आपको बताते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस की जो KYC हम वो करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस पर हम करते हैं क्लिक। तो जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन आता है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरने का। तो हमने नंबर भरने के बाद प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा वॉलेट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमें करना है सिंपली वॉलेट को रिचार्ज, यानी कि अपने बैंक से या ATM से उसमें पैसा जो है ऐड करना है। तो वो हम ऐड कैसे कर सकेंगे देखिए, इसके लिए हम जैसे ही जो है वॉलेट आपका जो 00 बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि ऐड टू मनी Paytm वॉलेट जो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें आ जाता है अमाउंट भरने के लिए, आपको जितना भी रुपए इसमें डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं तो भैया 10 रुपए आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा ऐप Paytm चलाता हूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसको भी चला लेता हूं कभी कभी। ठीक है, तो 10 रुपया मैंने ऐड कर लिए। ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आई अंडरस्टैंड पर हम क्लिक करके और कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं भैया तो अगला ऑप्शन देखिए क्या आता है। अगला जो ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले PNB बैंक का जो मेरा अकाउंट है वो ऐड है। यदि आपका नहीं है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है मेरा डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड भी शो कर रहा है। यदि आपने नहीं ऐड किया है तो पहले उसको ऐड करना होगा, वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल यदि आपको बैंक से पैसा डालना है अपने अकाउंट से तो आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करके जो भी आपकी सिम उसमें रजिस्टर्ड हो, जो भी आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो उससे एक मैसेज सेंड किया जाएगा, तो वो आप क्लिक करके और आपका जो है पैसा आ जाएगा। अभी बात करते हैं आपके ATM की। ठीक है, तो ATM के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए मेरा यहाँ से पहले से ही जो है ऐड है ATM, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ 3 अंक का एक CVV होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मुझे वो ऐड यहाँ पर करना होगा, वो ऐड करूंगा तो मेरा बस तुरंत ही 10 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है यार, जो कुछ भी खरीदना है वो कुछ सब कुछ हो सकेगा। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं कि जो है ATM कार्ड जोड़े कैसे भैया। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड, आपको बीच में दिख रहा होगा, तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है ATM, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम डेबिट कार्ड पर हम जो है क्लिक कर देते हैं और अपना ATM अकाउंट जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे
तो यहां पर सबसे पहले हमें भरना होगा 16 अंक का, अपने एटीएम कार्ड पर आपको 16 अंक का एक नंबर लिखा होगा, आपको वो यहां पर भर देना है, ठीक है। यहां पर एक्सपायरी डेट मंथ भरना, वहां पर लिखा होगा एक्सपायर डेट, ठीक है, तो जो भी हो वो आपको भर। यहां पर 3 अंक का सीवीवी आपको डालना होगा और प्रोसेस सिक्योरली पर क्लिक करना होगा। सीवीवी का मतलब बता दूं, आपके एटीएम कार्ड पर सिर्फ 3 अंक लिखे होंगे, कहीं भी अलग वो ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, 3 अंक 3 अक्षर लिखे होंगे कोई भी, ठीक है। तो वो भरने के बाद आपको जो है प्रोसेस सिक्योरली पर क्लिक कर देना है, तो आपका 10 रुपया ऐड होगा। फिर उसके बाद जब आगे अभी कभी भी आप ऐड करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है दिख रहा होगा डेबिट कार्ड, पीएनबी डेबिट कार्ड आपका जो भी हो, एसबीआई का हो या जो भी किसी भी बैंक का हो, तो यहाँ पर सिर्फ 3 अंक का, सिर्फ आपको एक बार सिर्फ ऐड करने के बाद उसको आपको सिर्फ 3 अंक का नंबर है वो डालना होगा, प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। कुछ कोई बहुत बड़ी प्रोसेस तो है ही नहीं, एकदम नॉर्मली है, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा 10 रुपया ऐड हो चुका है। अब आपको इससे कर कर क्या सकते हैं, यहां पर अभी पहले आपको ओटीपी आएगा एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देखिए जिनका भी एटीएम है उनका मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड होता ही है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहां पर डाल देना है, वेटिंग फॉर ओपीडी। तो यहां पर मेरा ओपीडी एक मैसेज आ चुका है, तो मैं वहां से ओपीडी कॉपी करके और यहां पर भैया डाल देता हूं, ठीक है। तो जो भी आपका ओपीडी आए मैसेज में जाकर के, यहां से आपको ओटीपी सिर्फ डाल देना है। तो देखिए मेरा मैसेज आ चुका है ओपीडी का, तो मैं यहां पर ओपीडी डाल देता हूं। ओटीपी का मेरा मैसेज ये है फोर है कुछ, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां पर जो है मैंने ओटीपी डाल दिया है, ठीक है, और सबमिट ओटीपी पर हम जो है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो भैया हमारा 10 रुपया ऐड हो जाता है। अब हम इससे कर कर क्या क्या सकते हैं, देखिए पहले मैं आपको सबूत दिखा दूं कि हमारा रुपया ऐड हो चुका है कि नहीं हुआ है भैया, क्योंकि आजकल बगैर सबूत का तो कोई कुछ मानता नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी कुछ सेकंड्स की, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं मेरा जो है 10 रुपया भैया ऐड हो चुका है, योर पेटीएम वॉलेट 10 रुपया सक्सेसफुली, भैया 10 रुपया आ चुका है। अब इससे आप मोबाइल रिचार्ज कर लो, कुछ भी खरीद लो, किसी को भी दे, जो कुछ भी करना है वो कर लो, आपके पेटीएम वॉलेट में आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है पैसा आ जाता है। अब इससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अभी इसमें एक कमी और रह गई है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या रह गई है, कि इस पैसे को आपके जैसे वॉलेट में कोई भी ऑनलाइन अर्निंग आ जाती है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं भैया हमें बैंक में डालना है। आपके जैसे पहले तो आप कोई भी ऑनलाइन अर्न करते हैं तो वो आपके वॉलेट में आ जाती है, यानी कि पेटीएम पासबुक में आ जाती है। अब वो आपको जो है कैसे सेंड करनी है अपने पेटीएम में या किसी अदर वाइज को, किसी अदर बैंक पे, तो उसके लिए भैया मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फुली केवाईसी चाहिए, यानी कि फुल केवाईसी, ये जो है मिनी केवाईसी मैंने बताई है। आपका जो भी आईडी प्रूफ हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, नरेगा का जॉब कार्ड हो या वोटर आईडी हो, ठीक है, तो इन सबके द्वारा आप एक मिनी केवाईसी कर सकते हैं, छोटी सी 6000 रुपए तक की, ठीक है। तो अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे ट्रांसफर वगैरह करना है, ठीक है। तो अब मैं कह सकूंगा यदि भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा, हम अगले वीडियो में उसके सारे जवाब देंगे, सारी सॉल्यूशन जो है करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।